अपराधी जो है मंत्री बने हुए हो, उस प्रदेश में अपराध कैसे रोका जा सकता है? अपराधी को ही मंत्री बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री। आज पूरे बिहार में अपराध सर चढ़ कर बोल रहा। जब तक जिस सरकार में दर्जनों अपराधी जो है मंत्री बने हुए हो, उस प्रदेश में अपराध कैसे रोका जा सकता है? अपराधी को ही मंत्री बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री। वैसे हालात में कैसे हो सकता है? इसलिए आज शराब के नाम पर राजनीति हो रही है, शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, और जो शराब माफिया है सरकार उससे मिली हुई है, और एनडीए के रसूखदार नेता से मिलकर खेप पर खेप मंगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में, और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं, और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। आज क्या क्या मांग है आपकी सदन में, किन किन बातों को उठाएंगे? पहले तो वही मांग उठाएंगे जो माफी मांगना है, जैया बर्खास्त करने का समाज कल्याण मंत्री को, उसके बाद जब आएगी बातें हम करेंगे। और निश्चित रूप से, और आज केवल दरोगा की हत्या नहीं हुई है, कई जगहों में व्यवसायी लोगों की हत्या हुई है मुजफ्फरपुर में, और व्यवसायी हमेशा मारे जा रहे हैं। और ये सरकार कहती है कि हम व्यवसायी की पार्टी है, लेकिन इस सरकार में व्यवसायी की हत्या हो रही है लगातार, और सरकार हाथ पर धर कर बैठी है, क्योंकि सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। कुर्सी जाए नहीं, बिहार की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की है। इसलिए आज हम मांग करते हैं अपराधी को रोक लगाओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।